Assalamu alaikum, dear students. Today this lecture is for A2 Physics 9702, and here if you will check the syllabus, then you can see that here we have A level syllabus, and in this A level syllabus we are talking about the mechanics chapters, or chapters from mechanics. Chapter number 12, motion in a circle. Chapter number 13, gravitational field. Then we have another chapter which is oscillations. So these three chapters are from mechanics. Then we have other topics as well, of course, like your temperature and other topics. Like here we have temperature, then we are talking about the electric fields and so on. But for the time being, we are just concentrating on your these three chapters, chapter 12, chapter 3 and chapter 17, which are from mechanics. And of course today we will start from motion in a circle. So when we will talk about the motion in a circle, before this motion in a circle, we can start from, you can say that we have a motion which is called as periodic motion. In periodic motion, or what is a periodic motion? So simply you can say that any motion which repeat itself in equal intervals of time. So this is very important. Ek aisi motion jo ke apne aap ko repeat karti hai equal interval of time mein, wo ek periodic motion hai. And two types of periodic motions are circular motions and the vibratory motion. Yahan dekhen ki agar koi ek object सर्कुलर मोशन में है, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे सर्कुलर मोशन को? तो हमने कहा कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अबाउट अ फिक्स पॉइंट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, कि अगर हमारे पास कोई एक, हम ये कहें कि हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है, इसमें कोई बॉडी मूव कर रही है एंड अबाउट अ फिक्स पॉइंट. ऑफ कोर्स दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस पर ये मूव कर रही है. और हमने कहा कि जी ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है. ये थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ और देखने की है कि ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट किसी सर्कुलर बॉडी के बाहर भी हो सकता है और किसी सर्कुलर बॉडी के अंदर भी हो सकता है. क्या मतलब है इस बात का? हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अर्थ है, अगर हम अर्थ की रोटेशन को देखें, तो इसका जो फिक्स पॉइंट है अर्थ के केस में, जो फिक्स पॉइंट है वो सन है मसलन, जो ऑफकोर्स अर्थ से बाहर है. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वन टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. इसको हम डिटेल में किसी वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझने के लिए कि हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट है, वो हमारे पास जो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में है, उससे बाहर भी हो सकता है और उसके अंदर भी हो सकता है. अंदर का क्या मतलब है? कि हमने कहा कि अगर हम अर्थ की रोटेशन को देखें, तो अर्थ जो है वो एक तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सन के अराउंड मूव कर रहा है, और एक जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है अर्थ. तो ये दोनों मोशंस जो हैं, वो हैं तो सर्कुलर मोशन ही, लेकिन इसमें से एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है. जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको हम इंशाल्लाह बाद में किसी वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ वो जो सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ये मूव कर रही है अर्थ, वो उसके अपने अंदर है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टॉप की एग्ज़ाम्पल ले लें अगर आप, इसको हम उर्दू में लट्टू कहते हैं, पता नहीं आप लोग लट्टू से कितने वाकिफ़ हैं या नहीं है. तो टॉप जो है उसको अगर आप देखें, तो जब वो स्विंग करता है, तो उसमें हम कहते हैं कि उसके जो एक्सिस है, या जो उसका पॉइंट है जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, वो उसके अपने अंदर है. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनी हाउ, तो सर्कुलर मोशन जो है उसको अगर आप देखें, तो हम बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं उसको, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अबाउट अ फिक्स पॉइंट. अब यहाँ पर एक और जो समझ लीजिए कि टाइप्स की अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो उसमें एक हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. सर्कुलर मोशन जो कि यूनिफॉर्म है, बहुत सिंपली आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. यानी अगर हम जो है वो एक सर्कल की बात कर रहे हैं जिसमें कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो हमने कहा कि इसमें जो इसकी अगर हम स्पीड को देखें, तो स्पीड इसकी जो है वो सेम है, हर जगह इसकी स्पीड सेम है. तो ये हमारे पास जो है वो एक चीज़ है, और ज़ाहिर है कि इसका कहीं सेंटर यहाँ पर मौजूद है.
इसको एक जहन में चीज़ ये भी रखें कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो थोड़ा सा पीछे और जाएं तो आपको याद आएगा कि स्पीड और वेलोसिटी हमने टू टर्म्स डिस्कस की हैं IGCSE में भी और ओ लेवल में भी। फ़र्क क्या है इन दोनों में कि एक जो है यानी वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो मैग्नीट्यूड है इनफैक्ट वो स्पीड है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप थोड़ा पढ़ भी चुके हैं पहले भी कि तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, और तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए सिर्फ हमें उनका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, टाइम है और एनर्जी है, वर्क डन है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी इज़ योर वेलोसिटी। तो यहाँ आप ये सिंपली ये कह सकते हैं कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं और वी से हमने फर्स्ट क्यों इसको रिप्रेजेंट किया है, तो दरअसल वी अगर हम स्पीड को कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम वी वेलोसिटी समझ रहे हैं तो याद रखिए कि इसका मतलब यह है कि इस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी हर जगह डिफरेंट है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा तो उसको हमने अभी देखा कि मैग्नीट्यूड जो है वो दरअसल किसी वेलोसिटी का स्पीड है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है यानी स्पीड वो कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जाहिर है जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें डायरेक्शन तो खैर चेंज हो ही रही है अगर वेलोसिटी की बात की जा रही हो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिस सर्कुलर मोशन ड्यूरिंग विच बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट सॉरी विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ क्या हो गया है, इस तरह यहाँ कांस्टेंट स्पीड थी तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म या आप कह सकते हैं ये स्पीड है और इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ इस केस में ना सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही है बल्कि आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो अपनी फर्स्ट कीजिए कि जो गाड़ी की चाबी है वो घुमा रहे हैं अपनी फिंगर से तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है, लेकिन ज़रा शुरू में वो आहिस्ता है, अगर आपने उसकी स्पीड जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी तो आपने कहा कि जी ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ख़ास टाइम के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्पीड इसकी कांस्टेंट है। ज़ाहिर है कि डायरेक्शन तो इसकी मुख्तलिफ है हर पॉइंट पर यानी कांस्टेंटली चेंज हो रही है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इवन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्शन तो चेंज होगी और लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट रहेगी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा उसमें आपके पास ना तो डायरेक्शन कांस्टेंट है और ना ही इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह सकती है या रहेगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर ज़ाहिर है वाइब्रेटरी मोशन का भी हमने तस्करा किया है, लेकिन इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना कहता चलूँ कि दिस इज़ टू एंड फ्रो मोशन। यानी अगर आप यहाँ पॉइंट ए पर हैं और आप पॉइंट बी पर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ टू एंड फ्रो मोशन। एक और एग्ज़ाम्पल इसकी जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि पेंडोलम की है। पेंडोलम के केस में अगर आप पेंडोलम को पॉइंट ए पर जो है वो ले जाते हैं और वहाँ से छोड़ते हैं तो ये पेंडोलम जो है वो ओरिजिनल पोजीशन ओ की तरफ जाएगा, फिर जो है वो ये पॉइंट बी की तरफ जाएगा और इसी तरीके से फिर पॉइंट बी से पॉइंट ओ और फिर ए की तरफ जाएगा। तो इस मोशन को अगेन अगर आप गौर से देखें तो ये टू एंड फ्रो मोशन है जो कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पर एक क्विकली हम दो चीज़ें छोटी छोटी करेंगे और समझेंगे कि लाइक हमारे पास एक तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो क्या है। तो हमने कहा कि ये है हमारे पास मोशन इन अ लाइन यानी जिसको आप लीनियर मोशन भी कहते हैं। और सर्कुलर मोशन क्या है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये आपके पास पीरियोडिक मोशन है ये एक पीरियोडिक मोशन है या इसको आप मोशन इन टू डायमेंशन भी कह सकते हैं या टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं।
टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये जब भी आप किसी सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं तो हर पॉइंट पर जो बॉडी आपकी है उसको डिफाइन करें, उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए है। तो ये आपके पास जो है वो एक टू डायमेंशनल मोशन की सिचुएशन है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह लिखा है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें इसको, कि चाहे वो मोशन ट्रांसलेटरी हो या सर्कुलर मोशन हो, कुछ चीज़ें हम पढ़े पढ़ चुके हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट। तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने रिप्रेजेंट किया था उसको एस से। इसी तरीके से यहाँ जब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट का तस्कर आएगा, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और वो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से हमने ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर वेलोसिटी का तस्करा किया था, और जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसकी अगर आप स्पीड देखें तब भी आप उसको वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बुनियादी तौर पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल वेलोसिटी की अगर बात की जाए लीनियर वेलोसिटी की तो हमने उसको वी से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर हमारे पास अरे सर्कुलर मोशन है और इसको इसके लिहाज से आप इसे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। ओमेगा एक ज़ाहिर सिंबल है जिस तरह थीटा, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम बात कर रहे हों तो टाइम ज़ाहिर है में एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है और एक क्वांटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम क्या है? टाइम टू कवर अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हम देख सकते हैं, या इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, इस तरह से भी इसको हम डिफाइन करते हैं। ये तो खैर ओवरऑल डेफिनेशन है, लेकिन जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो लीनियर टाइम का मतलब क्या है कि हमने एक डिस्टेंस जो लीनियर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करने के लिए जो टाइम लिया था वो हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। यहाँ पर भी ज़ाहिर है वो टाइम जो है वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर आप मसलन जो है वो पॉइंट ओ से चल के पॉइंट ए पर पहुँचे हैं तो वो टाइम टी है, लेकिन जब आप पॉइंट ओ से चलकर और अपने सर्कमफेरेंस पे मूव करते हुए वापस पॉइंट ओ पर आते हैं देन यू हैव कम्प्लीटेड वन रोटेशन और यू हैव कम्प्लीटेड वन सर्कमफेरेंस इन दिस केस। तो आपने कहा कि हमारे पास जो है वो ये जब टाइम है तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं? फॉर कम्प्लीट रोटेशन और रेवोल्यूशन जो टाइम है वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन क्वांटिटीज़ में, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ट्रांसलेटरी मोशन में भी ये सारी क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं तो कोई नई चीज़ एज सच नहीं है। हाँ, इनकी डेफिनेशंस यकीनन नहीं हैं और उनको हम देखते हैं कि वन बाई वन के वो क्या हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई अ बॉडी, the angle subtended at the center by a body moving in a circle। तो हमने कहा कि जी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक जैसे मैंने अभी आपको दिखाई एग्जांपल या डायग्राम कि O से आप A पर गए हैं तो इस दौरान में आपने एक ज़ाहिर एंगल बनाया है और इस एंगल को आप यहाँ पर कहा आपने कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है the angle subtended at the center, तो वो हमने जो कहा कि क्या है एंगल सबटेंडेड क्या है, हमने कहा कि वो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है उसको? थीटा से। तो अगेन आई कैन रीड फॉर यू कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, ये क्या चीज़ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ हम ज़ाहिर है कि यूनिट्स की बात भी करते हैं कि ज़ाहिर यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन में भी हैं और यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर भी होंगे, तो हम वन बाय वन उसको देखेंगे। लाइक यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हों तो उसका यूनिट एक तो सिंपली हम देखते हैं कि डिग्री है और दूसरा यूनिट जो है वो रेडियन है। अब ये जो रेडियन है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसकी डेफिनेशन ये एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको आपको ये जो डायग्राम है इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अगर बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट ओ से मूव करके पॉइंट ए पर आई है तो आपने देखा कि एक आर्क यहाँ पर बना है,
अच्छा जाहिर है कि एक रेडियस भी मौजूद है यहाँ और थीटा एंगल भी बना है। अब ये जो आपका आर्क है जिसको आप मिसाल के तौर पर एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये अगर आर्क जो है वो एस है तो इसको चलें एस वन कह देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एस वन जो है उस वक्त आप देखिए कि क्या आर्क एस वन जो है वो इस डिस्टेंस आर के या रेडियस के बराबर आपको लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये आप कहेंगे कि नहीं, ये तो थोड़ा छोटा है। तो हमने कहा कि स्मॉल है यहाँ पर आर्क एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस सॉरी योर रेडियस आर। तो यहाँ पर आपने फिर एक और सिचुएशन देखी कि जब ये आपका जो पॉइंट था या बॉडी थी वो मूव करके पॉइंट बी पर पहुँच गई तो एक और आर्क बन रहा है और उसको मैं एस टू कह रहा हूँ। अब देखिए कि इस आर्क की वैल्यू क्या आपके पास इस रेडियस के बराबर है। तो आपने कहा कि हाँ किसी हद तक ये आर्क की जो लेंथ है वो हमें रेडियस आर की इक्वल लग रही है। अच्छा हम एक और भी एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट कीजिए ले लेते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं कि हमने कहा कि एक यहाँ से ये मूव करके सी पर आया है और इस वक्त जो आर्क बन रही है वो सपोज़ के एस थ्री बन रही है। तो यहाँ पर अगेन फिर हम देखते हैं कि भाई ये जो आर्क की लेंथ है क्या वो रेडियस की लेंथ के बराबर है। तो हमने कहा शायद ये थोड़ी सी हमारे पास हमें यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये खैर हो सकता है कि आपको S2 इसके बराबर ना लग रहा हो, S3 बराबर लग रहा हो, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं रेडियन को। तो हमने कहा कि व्हेन द आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल द एंगल सबटेंड इज वन रेडियन। व्हेन द आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल The angle subtended is one radian, यानी जिस वक्त हमारे पास जो arc length है इसकी, चाहे अगर आपको ये महसूस हो रही है कि ये वाली arc length S3 इस radius के बराबर है तो आप कहें कि ये वाला जो angle बन रहा है, चलें इसको black से बना लें, ये जो angle बन रहा है ये आपके पास इस वक्त one radian का angle है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे तो ये वाली जो वो है आर्क वो अपने रेडियस के बराबर इक्वल लग रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल जो है वो वन रेडियन है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो आपके पास सिचुएशन है एस वन वाली, ये तो किसी सूरत से आपके रेडियस के इक्वल नहीं है। तो बी केयरफुल, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपने कोई आर्क बनाई है यानी जो बॉडी मूव करती हुई आगे बढ़ रही है तो रेडियस जो है वो तो ज़ाहिर फिक्स होगा लेकिन आर्क जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा, सॉरी एंगल भी बढ़ता चला जाएगा और ज़ाहिर है कि हमें किसी पर्टिकुलर सर्किल के लिए रेडियस कांस्टेंट है लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आर्क है और एंगल है वो चेंज होता जा रहा है। तो हमने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ बयान की और स्टेट की, उसकी डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन कैसे किया उसको, कि व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल द एंगल सबटेंडेड इज वन रेडियन। अब ये डेफिनेशन वो आपसे बार बार पूछेगा तो इसके लिए तैयार रहें और जो है वो हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ हम एक रिलेशन देख रहे हैं, जिस तरह हम पहले भी हमने बात की कि भाई हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो इनके दरमियान में हम एक रिलेशन देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपके पास एक एस डिस्प्लेसमेंट है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिसाल के तौर पर है, मसलन यानी ये आपके पास एक व्हील है और ये व्हील एक कम्प्लीट रोटेशन अगर करे तो यहाँ पर इसने मूव करके यहाँ वापस आ गया ये, तो पोजीशन ए ये है, पोजीशन बी इसकी यहाँ है। तो हमने कहा कि पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आते हुए इसने एक तो अपना कंप्लीट रोटेशन किया सर्कुलर, जिसको आप मोशन कह रहे हैं उसके हवाले से, इसको एक तो सर्कुलर मोशन के हवाले से डिस्टेंस आया जिसको आपने कहा एंगल है, तो वो क्या है, वो आपने कहा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम उसने कुछ डिस्टेंस यूं भी कवर किया है एंड दिस इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा कि इसका मतलब है कि जब कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो साथ में कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी उससे रिलेट किया जा सकता है। तो इफ़ एस इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इनके दरमियान में रिलेशन अभी क्या है, अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे आप अगर सर किसी सर्किल की बात कर रहे हैं और आपने देखा कि जी बॉडी जो है वो उसने यहाँ से मूव करना शुरू किया
यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँची, तो जब आपने कहा पॉइंट ए से पॉइंट ऊपर पहुँची है तो एंगल कितना बना है, तो आपने कहा जी एंगल तो यहाँ बन रहा है थीटा का, तो आपने कहा कि जी उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं तो क्या एंगल बन रहा है, तो एंगल बन रहा है थीटा का, लेकिन ये थीटा मुस्तकिल इंक्रीज हो रहा है। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम यहाँ थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री पोजीशन ए बी और सी के लिए मेंशन कर रहे हों, तो जैसे जैसे आर्क बढ़ इंक्रीज़ हो रही है इसी तरीके से हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आर्क जो है वो दरअसल क्या है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है उससे। तो एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर एक और सिंपल सी चीज़ क्या है कि ये आपने एक रिलेशन बनाई है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एनी थिंग यू नीड एन इक्वेजन। तो इक्वेजन आपको पता है कि जब भी आप बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो कोई एक कॉन्स्टेंट भी उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता है, और वो कॉन्स्टेंट आपकी मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ हो सकता है। लाइक इस सिचुएशन में आपने देखा कि जो रेडियस है वो हर जगह कॉन्स्टेंट है, तो आपने कहा कि आपके पास जो सर्किल का रेडियस है वो कॉन्स्टेंट है, द बट फॉर अ सर्किल ऑफ रेडियस आर वी हैव आर एज कॉन्स्टेंट। दस हमने क्या लिख दिया, हमने कहा कि भाई एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ योर इक्वेजन, एंड ऑफ कोर्स दिस इक्वेशन यू आर गेटिंग व्हेन यू आर रिलेटिंग योर एस एंड थीटा, एंड एज आई मेंशन दैट आर इज़ योर रेडियस विच इज़ कॉन्स्टेंट। एक छोटी सी बात और करते चलें आज के लिए, और वो ये है कि हम कैसे जो हमारे यूनिट्स थे रेडियन और डिग्री, इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने लिखा कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो अगर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कंप्लीट हो, यानी आप यहाँ से चल के और कंप्लीट एक सर्कल में जाके और वापस आ जाएं, तो आपने कहा कि जी ये क्या होगा, एक सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हमने कंप्लीट किया होगा, तो वो 2 पाई आर रेडियन उसको हम कह सकते हैं, और आर जो है वह रेडियस था। ऑन दी अदर हैंड एक कंप्लीट जो है रोटेशन के लिए या रेवोल्यूशन के लिए जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, तो आपने कहा कि 2 पाई आर रेडियन जो है वो यहाँ पर चूँकि ये आर आर से कैंसिल हो सकता है या हो जाएगा, तो 2 पाई रेडियन आपके पास क्या आ रहा है, पता चला 360 डिग्री आ रहा है। तो आपने कहा जी पाई रेडियन क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा, और जब आपने इसको 1 रेडियन के लिए लिखा तो ये 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ द कन्वर्जन। तो 1 रेडियन याद रखिए इसको, 1 रेडियन इज़ इक्वल टू आर ए डी भी लिख सकते हैं, आर ए डी आई भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो इसको आप याद रखें कि कन्वर्जन ये है। और जैसे मैंने भी आपसे कहा कि आप इसको अदर वे राउंड लेकर आएँ, यानी फर्स्ट कर लीजिए कि आपको कहा जाएगा जी 57 हमने यहाँ से एक पॉइंट यहाँ तक मूव किया है और डिग्री जो है वो कितनी बन रही है, 57.3 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप दो तीन बातें इसमें कह सकते हैं। पहली बात तो ये कह सकते हैं कि भाई कितने डिग्री का एंगल है, 57.3 डिग्री का, रेडियन कितने हैं, 1 रेडियन है। इसके अलावा जो अभी हमने बात कही थी, जो रिलेशन अभी हम देख रहे थे, तो वो फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आर्क लेंथ है इस केस में वो रेडियस के बराबर है। क्यों? इसलिए कि 1 रेडियन का एंगल बन रहा है, और 1 रेडियन का एंगल बनता ही जब है जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो। तो इसको यूँ करके कह लें, या जैसे पहले हमने समझा था उसको यूँ करके समझें कि 1 रेडियन इज़ 57.3 डिग्री। तो ये कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आज हम रुक रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर, ये आसान चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखिए कि इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इन इक्वेशंस को समझ लिया ठीक से, तो फिर आप ये जो है वो चैप्टर भी ना सिर्फ समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, बल्कि जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको भी आप जब जो है वो डिस्क्राइब करने बैठेंगे तो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर वो जो एप्लीकेशन है यूँ कह लें इन इक्वेशंस की, वो अगले चैप्टर्स में आने वाली है। तो आपने इनको अच्छे से समझना है, इस चैप्टर की इक्वेशंस को, और ताकि आने वाले चैप्टर्स में जो ग्रेविटेशन है या जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑसिलेशंस का चैप्टर है उसको भी हम अच्छे से समझ सकें। तो अनटिल द नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और ये समझ में आएगा।
अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझे बता सकते हैं अपने और प्रॉब्लम्स को, और वो उसको इंशाल्लाह मैं देख लूँगा कि आपने क्या कमेंट्स किए हैं, तो फिर उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने जो है शायद अपने दूसरे लेक्चर्स में जो मैंने AS के दिए हैं उसमें भी मैंने ये कहा है कि अगर आप ये जो लेक्चर्स हैं वन बाई वन इनको फॉलो करते चले जाएँगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इस कोर्स को कम्प्लीट करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, और बग़ैर किसी फर्दर कोचिंग के या कहीं और ट्यूशन पे जाने के आप जो है वो इसको बहुत इजीली समझ सकेंगे और अच्छे नंबर ला सकेंगे। खुसूसन वो बच्चे और स्टूडेंट जो प्राइवेटली एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत एक मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी सोर्स होगी, रिसोर्स के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर जो है वो नई वीडियो आपको मिल सके और एक सीक्वेंस और कंसिस्टेंसी से आप जो है वो चीज़ों को समझ सकें और कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।